हेलो ये गाइस, और आज एक और व्लॉगिंग का दिन। आज है वो दिन जब मैं जाऊंगा टूर पे। अभी मॉर्निंग है, आई थिंक सुबह सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं लिटरली भी नींद में हूँ। आई थिंक कितने बज रहे हैं, 4:29 हो रहे हैं अभी, और अभी निकल रहा हूँ मैं मॉर्निंग में। एक्चुअली हम लोग का प्लान इनिशियल ये था कि हम लोग को 4 बजे निकलना है घर से, और क्योंकि हम है ऐसे तो 4:30 घर पे बज गए। अब निकलते हैं तो निकलते निकलते वही आई थिंक 5 बज जाने वाला है। एंड या लेकिन आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। बाय द वे ये मेरा सामान है, और अगर आप लोग व्लॉगर नहीं और आपको व्लॉगर बनना है तो आपको बस बेसिकली 1-2 बैग ऐसे लेने पड़ेंगे। ये मेरे कपड़ों का सामान है, इसमें सारे मेरे कैमरे के गियर वगैरह हैं। बाप रे बाप। एनीवेज गाइस, अभी मैं हो रहा हूँ लेट, तो मैं निकलता हूँ और उस आपसे मिलता हूँ। अभी भरा जाएगा गाड़ी में डीजल, यहाँ पे डीजल का नोजल उठाना और यहाँ पर अपना भरना है। यहाँ पर कोई नहीं होता भरने के लिए, सामने काउंटर है, वहाँ जाकर सीधा पे करना है। और यहाँ लोग की शराफत ऐसी होती है कि आपने सिर्फ पंप से नोजल उठा के इसको दबाने पर उसको उठाना और भर देना है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, सुबह सुबह एक इंसान नहीं है यहाँ पे, बस अंदर जो है काउंटर के अंदर जो है बस वही है और कोई नहीं है यहाँ पे। ये है ऑस्ट्रेलियंस की शराफत। अब आपसे मिलता हूँ मैं सीधा दीदी के घर पे। अब हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे, सीधा दीदी के घर में आपसे मिलता हूँ। करता करता हमारे घर पे बैली निकल गई हाथ से मेरे, अरे घंटा निकल गया। टंग 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 टंग, अरे सुबह सुबह दिया जा रहा है पानी पौधों पे। क्या कर रहे हो आप? ये सिस्टम बनाया पानी ऑटोमेटिक वाला। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। हुन पानी पाऊगा तो जाऊगा उधर पानी, या फिर जदो जा चलूगा देख फवारा। तो ये वाला हां, हुन इससे जो पानी पाऊगा ना उधर सारा भरूगा। एक करता करता कौन सी ट्रेन में आ रहे हो? सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रो, थर्मोस रखे। ये सर पे क्यों लगा लिया? खा ले तंदूरी। नहीं नहीं, मैंने मोमो नहीं खाने। ओके, तो हम लोग का निकलने का प्लान था कि हम लोग निकलेंगे सुबह 3 बजे, देन उसके बाद हुआ 4 बजे, और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक, हाँ सब मुझे बुला रहे हैं, 5:21 पे। और ये बर्तन बुर्तन लेके जा रहे हैं जेजा। अरे गाइस, बर्तन लेके जा रहे हैं, और ये है हमारे एक और करता हरता पार्ट टू। अरे आपको मेन करता हरता से मिलाता हूँ। अच्छा, तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग निकलेंगे सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है टाइम, अभी 5:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं अभी। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। प्लीज का थोड़ा अपने दर्शकों को बताइए कि क्या हो रहा है आपके दिल में। हॉलो होती है दिल में, मरोड़ होती है। गर्म कपड़े ले, मैंने एक्चुअली रखी नहीं कुछ भी यार, जैकेट जीजू के पास हो गया। जीजू जीजू जिंदाबाद। जीजू आज जा मेरे, मुझको एक जैकेट तो दे दो। मोमो वाले कौन है? ये मैं खाने लगा मोमो कंगोल। दोनों गाड़ी खचा खच भरी हुई सामान से, पूरी भरी हुई। आगे भी 4 जगह सामान है। तो 7 सीटर का बन चुका है 3 सीटर, और 5 सीटर का बन चुका है 3 सीटर अगेन। पूरी भरी हुई है। मेरी मम्मी गिरने लगी थी चक्कर आके, अभी इनको कुर्सी दी है बैठने के लिए। देखते हैं जब ये चक्कर बंद हो जाएंगे तो हम फिर गाड़ी के चक्कर घुमाएंगे। ओके गाइस, छोटे से ब्रेक लिया अभी हमने, काफी अरे हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं अब, और सब लोग ऐसे बैठे हुए चाय नाश्ता भी कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मेरी मम्मी बेसिकली गिरने लगी थी अभी, तो उनको हम लोग मारानी है बेसिकली, तो उनको हम लोग अलग इज्जत देते हैं। चाय पी ली, चाय पीली चाय। आपके लिपस्टिक के उसमें निशान लग गए हैं उसमें, फटाक फटाक मेकअप कराया उन्होंने, पता है कैमरे में आएंगे ना, इन्होंने फटफट फटफट ऐसे करके लिपस्टिक लगाई, ऐसे करके मैंने कुछ नहीं लगाया, मैं तो गाड़ी में लगाया। क्या कहना तुम्हें चाय के बारे में? मक्खी लगे तुम्हारे चाय में?
नक्की नहीं लग रही। तुमने चश्मे के ऊपर चश्मा लगा रखा है, बहुत बढ़िया। गजब बेइज्जती है। आप नहीं पी रहे चाय? ना चाय नहीं। अरे पी लो चाय, क्या होता है। मिर्च वाली चटनी जलन होने लग गई। ये मिर्च वाली चटनी है क्या? बहुत मिर्ची थी क्या? मिर्च वाली चटनी बनाती है क्या? हरिया मिर्च वाली। अच्छा सुबह वाली। हाँ। बड़ी मिर्च नहीं, इन्होंने बहुत ज्यादा मोमोज खा लिए रात। मोमोज लाला खांदे रे स्वाद ना पहला है। रात में चटनी खाए रवि परेशान हो रही है। इनो से ठीक हो जाएगा ना? लकड़ी से क्या कर रहे हो आप? ये चीज बनानी यार, मैं तीन लकड़ी चाहिए मेनू इदन की। ऐसी तेन पता की बनाना तेन दिखावा। खोपड़ी कौन सा? एक कौन सा बनाए? इसके किसके बाल होते हैं? बड़े बड़े बाल किसके थे? पता नहीं, कोई हीरो था ना? चंद्रचूड़ सिंह। दो भाई चंद्रचूड़ सिंह। चलने का टाइम आ गया, अब मिलता हूँ मैं आपसे डेस्टिनेशन रीच करने पे। अगर बीच में रुकना हो तो वहाँ पे भी रुकता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे सीधा डेस्टिनेशन पे। ओए गाइस, तो हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। अभी ये डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन ये मेरे पीछे है, आप देख पा रहे होगे किधर है। इधर ये रही, हमें यहाँ पर जाना है, उस पहाड़ी पे जाना है और वहाँ पर हम लोग के कुछ नए कुछ जो लोकेशन है जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे हम जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत खाना पीना यहाँ पर हो रहा है, हम लोग बेसिकली बहुत भूख लग रही थी सबको, तो अभी यहाँ पे खाना पीना करेंगे। ये हमारा जुगाड़ है, कुकर रख दिया हमने हॉट प्लेट के ऊपर और इसमें बनाएंगे हम लोग ब्रेड। देखिए जुगाड़ चल रहा है, साथ में चल रहे कुरकुरे और मेरे जीजा वहाँ घूम रहे हैं, मेरे जीजा के दोस्त वहाँ पे घूम रहे हैं, मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ घूम रही है, दीदी दीदी पता नहीं कहाँ गई है, फितर बितर हो गए। बट अभी खाते हैं, उस पार्ट पे जाएंगे हम लोग। अभी इस पे जाना हम लोग को सच में हैं? अच्छा मैं गलत बोल रहा था, उस पार्ट पे जाएंगे हम लोग। उस पार्ट पे जाएंगे हम लोग, उस वाले पार्ट पे। ए उंगली कहाँ जा रही है मेरी? मैं दिख भी नहीं रहा, कहाँ है मेरा हाथ? अरे हाँ ऐसे कर रहे हैं, उस वाले पार्ट पे। मेरे बाल भी खराब हो रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहली लोकेशन पे आ चुका हूँ और मेरे पीछे पता क्या है? देखो जरा क्या है मेरे पीछे, ये देख पा रहे हो आप? ये बाप रे बाप, और ये चीज़ यहाँ के पूरे शहर को बिजली देती है। वैसे एक्चुअली यहाँ पर अराउंड 8 या 9 और हैं, ऐसे 10 आई थिंक 10 ऐसे और हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा है, सच में बहुत ही बड़ी चीज़ है। और अभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, लिटरली मैं इसके नीचे खड़ा हूँ। ओ बाप रे बाप, ये इतना ऊँचा कि नीचे गस इतना ऊँचा। ये चीज़ पूरे यहाँ के शहर को बिजली दे रही है, कितनी सही चीज़ है ना, बहुत सही चीज़ है एक्चुअली। Here is the first location. और मैं लिटरली बारिश में भीग रहा हूँ, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा बारिश हो रही है। Look at this, और बहुत अच्छा, और ये पूरा पीछे तक है, पूरा पीछे तक अभी ड्रोन इतना कैच नहीं कर पाया, बट somehow मैंने कोशिश करी कि मैं उसको पीछे से पूरा दिखा सकूं, बट बारिश की वजह से सब कुछ इतना फॉग हो चुका तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट लुक
how big it is. वो वाला I think चल नहीं रहा, I think उसमें problem आ गई कुछ. Anyways guys, this is our first location और अब चलते हैं अपनी second location पे. बारिश हो रही है, hopefully मैं वहाँ पर अपना drone pull out कर सकूँ और मैं video बना सकूँ. अगर नहीं कर पाऊँगा तो मेरा camera हमेशा ready रहता है. Alrighty guys, so हम लोग अपनी second location पे आ गए हैं और this is the second and final location और ये है the gap. पहले हम लोग wind farm में गए थे, by the way मैं आपको बताना भूल गया. As you can see, like all the landscape and everything, green भी कितना प्यारा है. And this is the main thing here. बालों को टाई बनाया है और एक्चुअली मेरा लेंस भी खराब हो रहा है. एक सेकंड आप ये देख सकते हो, मुझे नहीं पता क्या देख सकते हो आप, लेकिन एक्चुअली यहाँ से बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं और एक लाइक बेस ड्रम कैसा साउंड आता है बिल्कुल धम धम करके, लाइक लिटरली वो पानी इन रॉक्स पे मारता है एंड देन दैट्स हाउ यहाँ की जो रॉक्स है वो कटी थी बहुत टाइम पहले. और दिस इज कॉल्ड नेचर ब्रिज. एनीवेज गाइस, सो दिस इज द सेकंड लोकेशन एंड काफ़ी प्यारी है और काफ़ी मज़ा आएगा. थोड़ी ठंडी हो गई है यहाँ पर बट काफ़ी अच्छा है. आई थिंक हम लोग एक और लोकेशन में जाने वाले हैं, नॉट श्योर बट लेट्स सी. अगर जाने वाले तो ठीक है और अगर नहीं जाने वाले तो शाम को मिलते हैं कैंप साइट. शाम को मिलते हैं कैंप साइट पे और आज हम कैंप पे लगाने वाले हैं और हम कैंप पे जाने वाले हैं टेंट लगाने वाले. हाँ टेंट लगाने वाले बाय द वे. ये वाली जो वेव्स है ना लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये पहले मैंने कभी देखी है बट इतनी ऊँची नहीं देखी क्योंकि आज क्या है बारिश भी है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड थिंग है यहाँ पर हवा चल रही है तो उसके वजह से काफ़ी ऊँची वेव्स आ रही है. लिटरली वेव्स बहुत ज़्यादा ऊँची आ रही है. मुझे पता क्या होगा जैसे मैं कैमरा बंद करूँगा ना वैसे बहुत बड़ी वेव आने वाली है क्योंकि वेव शर्मा रही है. एक्चुअली वेव मुझसे शर्मा रही है, उसको पता कि था बीस्ट अभी आया तो उसके वजह से वेव शर्मा रही है. मुझे ना एक्चुअली बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये जितना गहरा है ना उस हिसाब से अगर मेरा कैमरा वगैरह कुछ गिरता ना यहाँ पे टाटा बाय बाय. अपने कैमरे के ट्राईपोर्ट पे भरोसा कर रखा है मैंने और बस अपने हाथ पे भरोसा कर रखा ताकि मेरा हाथ का टिल्ट वगैरह ना हो और ये नीचे ना गिर जाए क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है अभी के लिए. ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन, होपफुली हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे. अगर नहीं जाएंगे देन जाएंगे हम लोग कैंपिंग साइट. लुक एट दैट, सही कितनी बुरी किस्मत है मेरी, लाइक बहुत बुरी किस्मत है मेरी अभी ऑनेस्टली बता रहा हूँ. मैं एक्चुअल में अब वेव का वेट करने वाला हूँ. मैं आपको दिखाऊँ कि कितना गहरा है ये. मैंने अपने कैमरे को बहुत टाइटली पकड़ रखा है इस टाइम पे. ओह ये आएगी वेव बहुत बड़ी. ओह नाइस. एंड दिस इज कॉल्ड द बीस्ट ऑफ स्टाइल वेव. ये द बीस्ट ऑफ स्टाइल वेव आई थी बहुत ही बैड है. बीस से भी खड़ा है पर तो कैसे वेव नहीं आएगी ऑफकोर्स. एंड दिस इज द ह्यूज वेव. तो हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और ये है जहाँ पर हम लगा रहे अपना टेंट. ये लोकेशन हमारी पूरी. अभी लगाता हूँ मैं टेंट को और आपसे मिलता हूँ मैं टेंट लगाने के बाद.
सो ये लग चुका हमारा टेंट पीछे और पापा वहाँ पे लकड़ी तोड़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग की बॉनफायर जल रही है और मौसम इस टाइम पे जो वेदर है ना एब्सोल्युटली फंटेस्टिक हो रहा है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है एंड आई लव दिस वेदर। ये जो वेदर है ना भाई, सभी जो वेदर है इस वेदर के लिए मैं क्या बोलूँ, क्या बात कर रहे हो आप लोग। नहीं, जो वेदर है ना इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल वेदर। और अभी क्या करने वाले हम लोग, हम लोग बनाने वाले हैं इसके ऊपर खाना, क्योंकि हम लोग बेसिकली रियल कैंपिंग वाली चीजें कर रहे हैं तो आग लगना शुरू हो चुकी है। प्लास्टिक की बोतल ना, अरे बात तो बन जाएगी इस वजह से। ये किस पे लगाया अपने, पत्ते पे तले, वो थोड़ा सा वो पतले पतले हम जो लेके आए थे वो उसमें लगा दिया क्या आपने? नहीं उसमें नहीं लगे, बोतल बोतल लिफाफे सारे गिल्ले यार, बोतल के सारे गिल्ले हैं, बोतल नु लाओ पे यार, लिफाफा एक ही है। हम थोड़ा इलीगल आग जला रहे लेकिन हम लोग के पास कोई और मुश्किल नहीं, मुश्किल यार मुश्किल वाली आग गंदी स्मेल करूँ क्या। हाँ ये प्लास्टिक तो मारता है ना स्मेल, लेकिन बड़ी सही चलेगी इससे आग, हो जाएगा हमारा काम। मैंने बोला था आग जग जाएगी, आपको इस कैंप का टूर अराउंड देता हूँ एक सेकंड, कितना अच्छा कैंप है। तो ये हम लोग का कैंप साइड है और ये ऐसा है, अंदर से भी काफ़ी अच्छी स्पेस है इसके अंदर। दिस इज लग्जरी यार, ये लग्जरी है। ये अंदर से कुछ ऐसा है, लाइक गद्दे वद्दे बिछा दिए हम लोगों ने और इसमें तीन रूम बनते हैं, तो इस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे आज रात और सो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इसका मतलब बहुत ठंडा है यहाँ पर। परसों जिस जगह से आया था ना मैं, जहाँ से मतलब जहाँ रहता हूँ उस जगह से, यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 डिग्री माइनस पर चल रहा है। वहाँ पर 35-37 के आसपास अभी चल रहा है एंड देन यहाँ पर 16-15 चल रहा है। और रात में तो 11-12 होने वाला, तो लाइक लिटरली ठंड होने वाली है। ए करता धरता क्या कर रहा हूँ, सलाम में कूद कर आना मत, लग रहा है ना, लग रहा है मगरमच्छ पानी से निकलेगा। और oh तो हम चले लकड़ी की खोज में, हमको और लकड़ी चाहिए। वो वाली लड़की अभिषेक भावनाओं को तरह संभाल के बात करो, लड़कियां नहीं लकड़ियां। तो वो जो लकड़ियां हैं वो बेसिकली अभी खत्म हो जाएगी, 5-10 मिनट की बात है, तो हम लोग को मोटी मोटी लकड़ियां उठानी पड़ेगी। अब ला दे, ये भी जल जाएगा, जैकपॉट लग गया, जल्दी। ये है हम लोग लकड़ी लेते जाते हुए, किसी और के फार्म के अंदर घुस के हम लकड़ी उठा रहे। हाँ किसी और का फार्म है और वहाँ पे लकड़ी उठा रहे हम सारे ये पापा ने उठाई, दो जीजू ने उठाई, वो है किसी और के फार्म में हम लकड़ी उठाने के लिए गए। अरे बाप रे बाप, और ये बहुत भारी लकड़ी है। वेल मज़ा तो उसका ही आता है, ये है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। पापा कैसे उठा के जा रहे हैं दो लकड़ी, बाप रे बाप इतनी भारी लकड़ी उठा के लेकर आए। यहाँ पर चल रहा है खाने पीने का सिलसिला, लकड़ी तो ऐसे करो सब सर्वाइवर हो आप। प्रोग्राम है ना प्राइमल सर्वाइवर, डिस्कवरी दे आंदा हां तो जानी हो। ये देखो जी अंग्रेजी स्टाइल में नान गरम हो रहे हैं। अंग्रेजी स्टाइल में और ये हमारे पापा नान गरम कर रहे हैं अंग्रेजी स्टाइल में। अरे अंग्रेजी स्टाइल में करने वाले थे आप अभी, अंग्रेजी स्टाइल में करने वाले थे इसको, यही उछाल लेते ना। ये बैठ गई करता धरता अरे पापा क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे हाथ में कहता वा तो बात तुम इतनी दूर से थोड़ी ना भगेगा, आग में रखना पड़ता है। देखो हमारा देसी जुगाड़ हो रहा है नान को गरम करने का। और वाली गाइस तो भी होने वाला है खाना पीना शुरू। यहाँ पर ठंड हो रही थी तो उसने मैंने अपनी बीनी पहन ली है, ये मेरी बीनी बहुत फेवरेट बीनी है एनीवेज। ये बन रही है हम लोग की नाने यहाँ पर, ये लोग हम लोग का काम कर रहे हैं यहाँ पर, गर्म गर्म देसी जुगाड़ कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि पापा ने बोला गोरों के सर में नान सेक रहे हैं और ये देख लो कैसे मम्मी प्लेट लेके बैठी, मम्मी का बस ये कि मम्मी को बस खाना खाना है। भाई साहब फुल ऑन जुगाड़, इसको बोलते हैं फुल ऑन जुगाड़। अभी सूटकेस बनेगा हम लोग का टेबल, लकड़ी में नान सेक रही, पापा नान जल गई, गर्म नहीं हो जाता वो। सब सूख से गर्म करते रहोगे सब कड़क हो जाएंगी। हाँ ये खाने में क्या करना, ये खाने तो शुरू करो। वो लोग कहाँ जा रहे हैं,
अभी खाना शुरू करेंगे। और राइट गाइस, तो ये था आज का एक थकान भरा दिन और बहुत ही एक्साइटेड रहा, काफी मजा आया। और अभी मैं लिटरली दीदी को बोल रखा हूँ कि यहाँ पे लाइट पकड़ के अभी भैंस के कीड़े पड़ रहे हैं मेरे मुंह पे, मेरे को आउटरो करने दो, कीड़े मेरे को मार रहे हैं चाटा। और राइट गाइस, तो ये था आज का एक थकान भरा लेकिन बहुत एक्साइटेड दिन और काफी मजा आ गया आज। बट yeah, this is it। और आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप एंड मैं चला गया वीडियो बनकर, तब तक के लिए गुड नाइट।